वैगनों में सिलेंडर जो है वो नाकिस ना भी हो तो क्या इसकी प्रॉपर एनओसी ली जाती है, प्रॉपर इसे क्लियरेंस दी जाती है, और इसमें कंपनी के, ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो वो इदारे जिन पर वो ट्रस्ट करके इन्हें एनओसी दिलवाती है उनका रोल कितना है, इनकी वायरिंग क्या प्रॉपर चेक की जाती है, क्योंकि ये सिलेंडर जो है आपके ख्याल में ये नाकिस सिलेंडर तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल क्वालिटी का सिलेंडर है, अगर जो प्रूव करता है कंपनी से बना हुआ है, और ये सीएनजी सिलेंडर है लेकिन इसमें एलपीजी है। आप इसे वैसे ही कितनी देर बाद चेक करवाते हैं और मैकेनिक के पास लेके जाते हैं? साल बाद ही लेके जाते हैं, इससे पहले जरूरत नहीं पड़ती। जो वैगन्स वाला है, हॉस्पिटल्स में सिलेंडर फटने वाला मामला है, घरेलू सार्फिन तक ये मामला है, तो असल मुद्दा ये है कि ना कि सिलेंडर, तो इसका क्या आप समझते हैं, क्या हाल है? और बाशमूल आपके रिक्शों में भी फटते हैं सिलेंडर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि खोकर साहब ने अभी कहा कि जब जिस दिन आप प्रोग्राम करते हैं ना उससे अगले दिन ट्रांसपोर्टरों की शामत आ जाती है। ये सिलेंडर लगाना हमारी जरूरत जरूर है, मजबूरी नहीं है, मगर अब इस जरूरत को इन्होंने मजबूरी बना दिया हुआ है। गुजारिश ये है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर हमें फ्यूल जो पेट्रोल है अगर हमें कम कीमत पर मिले, हमारा दिमाग खराब है हम वैगनों में सिलेंडर लगाएं, हमारा दिमाग खराब है हम रिक्शों में सिलेंडर लगाएं। अगर गैस घर घर में गैस आती हो तो जो लोग बेचारे 50-50 रुपए के एलपीजी घर में लेके जाते हैं और अपने घर का किचन चलाते हैं, उनका दिमाग खराब है कि वो सिलेंडर लेके जाए मौत के साथ खेले। गुजारिश ये है कि ये हमारे हुक्मरानों ने कभी भी आज तक गरीब आवाम का सोचा ही नहीं है। तमाशा जब प्रोग्राम करते हैं ना तो अगले दिन हमारा तमाशा लगता है कि सिलेंडर नाकिस होते हैं समटाइम्स वायरिंग इसकी ठीक नहीं होती और गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है, खुदा ना करे, तो घरेलू सार्फिन जो सिलेंडर यूज करते हैं वो भी फटता है, अस्पतालों में भी सिलेंडर फट रहे हैं, रिक्शे सिलेंडर भी फट रहे हैं, तो आपका इस पे क्या इजहार ख्याल है? पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल के लिए ही सस्ता होना चाहिए, सिलेंडर उतार देने चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहने का जी भाईजान, बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। हाकिम चौक जोहर टाउन आतिशजदगी का वाकया हो गया कल, और आपने देखा कि 60-70 वहां जो लोग काम करते थे और फर्नीचर की मार्केट की थी वो सारी जलकर खाकिस्तर हो गई। क्या नाम है आपका? जाहिद। तो क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या हुआ? फर्नीचर दिया पॉलिश करने के लिए, बच्ची मेरी की शादी है और ये दे नहीं रहा, कहता है सड़ गया सारा, और 15,000 रुपया एडवांस भी लिया, वो भी नहीं दे रहे, फर्नीचर भी नहीं दे रहे, 15 एडवांस भी नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। पूछो और कब शादी कब है? 8 दिन के बाद। आपको फर्नीचर दिया था? जी सर, इन्होंने फर्नीचर हमें दिया था पॉलिश करने के लिए, इन्होंने 15,000 एडवांस दिया, 15,000 का हमने सामान लाए थे और पॉलिश डब्बे वगैरह जो हमने पॉलिश करना था, तो जब एकदम कल जब आग लगी है, जो सामान अंदर पड़ा था पॉलिश का वो भी सड़ गया, जो हमारा अपना सामान था वो भी सड़ गया, इनका सामान ही सड़ गया, इनका सामान एक बेड ड्रेसिंग थी, हमारा 7 लाख का सामान था, पूरी दुकान भरी हुई थी जो पूरी की पूरी जल गई। इस टाइम हम बर्बाद है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे पास खाने को नहीं है, चलता है एक खेमे में से 3,000 आदमी पलता है, जो बर्बाद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ये कहाँ से देंगे आपको? अल्लाह की रजा से हुआ है ये भाई। और इसी जगह पे जो सिलेंडर का धमाका हुआ था, और ये सिलेंडर का धमाका जो है ये को पहली दफा लाहौर में नहीं हुआ, सिलेंडरों ने बेशुमार जो है नुकसान किया है और इस पर किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं है, बड़े पैमाने पर वॉयलेशंस हैं। आपको आपके घरों के पास छोटे मोटे बम्प जो हैं वो मुयस्सर हैं, किस सूरत में? आपके सिलेंडरों की सूरत में। ये वो बच्चे हैं, यहाँ आपको एक और चीज दिखानी बड़ी जरूरी है, ये बच्चा जो है ये किसी स्कूल भी जा सकता है, इसके हालात आप देखिए, और ये बच्चा बड़ा होगा जब तो लाहौर का मुस्तकबिल, और इन बच्चों के हाथ में जब मुस्तकबिल जाएगा तो ये किस तरीके से मुस्तकबिल संवारेगा? रीफिलिंग वाली मशीन लीक हुई है, वहां से आतिशबाजी हुई। हाँ जी। लेकिन धमाकों की आवाज भी साथ लोगों ने फिर सुनी, उसी से फिर आग जब स्पार्क हुई है तो पूरे मार्केट में लगी है। नक्शा स्टॉप हम खड़े हैं और ये वो बदकिस्मत दुकान है जहाँ लाहौर में लेटेस्ट तरीन सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ। जब तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी से सिलेंडर मार्केट में नहीं पहुंचेगा और ऑथराइज नहीं होगा, और हमें एक बात और का बहुत बड़ा डाउट है, बहुत बड़ा खदशा है कि जब आप ये सारे के सारे जाली सिलेंडर यहां से उठाएंगे और नए सिलेंडर इस नाम पे देंगे कि ये रजिस्टर्ड सिलेंडर हैं, तो वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर घपले होने के अंदेशे हैं। तय कि जो सिलेंडर में गैस रह जाती है ना थोड़ी बहुत ही, उसको वैक्यूम करके दोबारा उसको बेचते हैं, उसको कंप्रेसर करके वो फाड़ता है, वो बहुत नाजुक है। कसूर इन लाने वालों का नहीं है, मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि ये जो बनाते हैं ना कसूर उनका है,
ये जो कारखाने हैं, ये जो इंडस्ट्रियां बनाती हैं, उनका कसूर है। कसूर जिले ही गवर्नमेंट का है कि वो नाकस सिलेंडर शहर लाहौर के अंदर दुकानदारों को फराहम करने क्यों देते हैं। ये हादसा जो होता है इंसानी गफलत की वजह से होता है। जो भी इसमें गैस भर रहा होता है अगर थोड़ी सी एहतियात करें तो ये हादसा नहीं होते। देखें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हजारों दुकानें हैं, आज ट्रेनिंग ही मौजूद नहीं है, कोई एहतियात करे कैसे, स्कूलिंग ही नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के पहले चेयरमैन थे, आज शेख साहब कह रहे हैं वो इंडस्ट्री के चेयरमैन है। बाद सर वो तो जगह जगह लिख के दे रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं। जैसे इरफान खोखर ने जितनी आवाज नाकस सिलेंडरों के लिए उठाई है ना, आज तक मेरा ख्याल आपकी किसी भी, सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई है, आप बताएं कोई एक काम किया हो, सिर्फ आवाज उठाई, बकायदा जंग किया इसके लिए मैदान में। इरफान खोखर हमारे साथ उतरा है। कल जब ये सिलेंडर वगैरह फटा, वाकया हुआ, आग वगैरह लगी, तो आप इधर ही थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। पहले गैस लीक हुई, फिर उस वक्त धमाका है, बस हमें ऐसा हुआ था, बहुत ज्यादा धमाके हुए थे, आग यहाँ तक आ गई, दुकान काफी दूर है इनकी, आग यहाँ तक आ रही थी, और पूरी आबादी में बच्चे छोटे छोटे औरतें बुजुर्ग सारी निकल के भागे, पीछे गोदाम है, अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा भी हादसा हो सकता, आवाम डरी हुई। इरफान खोखर साहब की जो एसोसिएशन है वो दो नंबर एसोसिएशन है, एक जाली एसोसिएशन, एक फेक एसोसिएशन है। तो जब एक बंदा और उसकी एसोसिएशन ही फेक और जाली होगी तो दो नंबर सिलेंडर और दो नंबर फेक सिलेंडर कैसे खत्म कर सकता है, ये एक तमाशा है जो उन्होंने लगाया हुआ है। लाहौर में लगभग 70,000 रिक्शा है और 12 दफा प्रोग्राम तमाशा में ये आवाज उठाई गई कि रिक्शों को जो सिलेंडर लगे हैं वो नाकिस हैं। अभी भी 95% रिक्शों में ये नस्ब है, इसको ये कड़ा सा लगता है, कैसे खोलते हैं इसे, खोले जरा। इसको खोलने के बाद ये अभी गैस ऊपर से बंद करेंगे, इसको खोल लेंगे तो ये खुल जाएगा ये। अब और ये कई दफा अगर प्रॉपर टाइट ना हो तो गैस लीकेज की वजह से आग भी लग सकती है। किसी तरह का कोई इशू नहीं है इसमें, कोई गैस लगने का इशू नहीं है। अगर ये ममनू हो तो इनको बेचे क्यों लोग। ये वो वाला सिलेंडर नहीं है, ये वो नहीं है, आपका सिलेंडर है ये शालमी में और गुजरांवाला में जो 400 कारखाने तैयार कर रहे हैं, ये वो सिलेंडर है। उस सिलेंडर के लिए जो कमेटी बनी थी, आप अपने तमाम प्रोग्राम निकाल के देख रहे हैं, मैंने कहा था कि इरफान खोखर साहब की सरपरस्ती में वो कमेटी बनी है, इरफान खोखर साहब उसके हेड हैं। अब वो मेरी बात सच साबित हुई ना कि बशीरा के घर कमेटी पैगी ना, बशीरा लबनी ना कमेटी लबनी। सिलेंडर लगा हुआ है जी, जी सिलेंडर दिखाते हैं जी, हम दिखा रहे हैं कि अभी भी 90% काम होने वाला है। ये नाकिस सिलेंडर है, ये फट सकते हैं खुदा ना खास्ता, किसी की जान ले सकते हैं। इसका हल फिर किया है अपनी मदद आपके तहत, रिक्शा को ड्राइवर जो है वो पेट्रोल पे चले गए हैं। उन्होंने 1,000 मुलाकातें भी की हैं, एक दफा उनके पास भी गया, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी ये तरीका इसको कर दें, ये पेट्रोल पे, मैं वापस आता हूं, वापस आता हूं, वापस आता हूं। चूड़ियां चूड़ियां जो है ना, ये पहले जनरल सिलेंडर होगा ना, ये चूड़ियां चूड़ियों का मामला भी हल हो। एलपीजी की कीमतों के मामला की वजह से, सारी की सारी मार्केट में ब्लैक होने की वजह से, अरबों रुपए का आम आदमी को, आम सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को चूना लगाया जा चुका है। मैं कहूंगा ये माफिया के हमायत याफ्ता है। किस माफिया के? एलपीजी माफिया, जो वो तो खुद डिस्ट्रीब्यूटर है सर, डिस्ट्रीब्यूटर एलपीजी के ही है ना। आपके ही प्रोग्राम से नई खबर देने लगा हूँ, इनका फ्रांजी का ऑडिट होने लगा है तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स का और कंपनीज का, कि इन्होंने पिछले कितने महीनों में कितनी गैस कितने किस तरीके से खरीदी है। ये बेहतर है, खुशाइन है, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स का फ्रेंजी गार्डन होने जा रहा है। एक साथ फैसला है, आज तक ऐसा हुआ नहीं था कभी, ये बहुत बड़ा, देखें बहुत बड़ा इकदाम है ये। कैसे ही रिकॉर्ड आएगा देखना, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर उसी रेट पे बेचना शुरू। यार अपना खोखर साहब ना फड़े जान, ध्यान करे हो। अच्छा। मुझे देख ले खोखर साहब ये क्या कह रहे हैं, शक पै रहे हैं। शक पै रहे हैं। नहीं नहीं खोखर साहब ऐसे नहीं, पकड़े जाएंगे शक पड़, ये ओगरा के साथ मिलकर काम कर। बाकी सिलेंडर बनाने वाले कारखाने हैं उनके ऊपर फाहद शबाज साहब ने, तमाशा प्रोग्राम ने और फारूक खोखर साहब ने बहुत ज्यादा मेरे साथ मिलकर काविशें की हैं। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ड्राइवरों कातल है ये, रोजगार बंद कराएगा, ये रक्षे बंद कराएगा, ये खरीद ले फिर हम कातल नहीं है। ओ खुदा का लिए, इसलिए मैं कहता हूँ क्या, फिर मैं कहता हूँ ना खरीदो, जब पेट्रोल पहुंच जाके नहीं बोले पेट्रोल पूरे शहर में, यार गरीबों को मैं चोर और चौकीदार दोनों मिले हुए हैं। आप एलपीजी माफिया और हुक्मरान डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियों वाले सब मिलकर घरेलू सार्फिन और रक्षा ड्राइवरों को लूट रहे हैं। ये वो सारी बातें हैं जिनका आने वाले दिनों में बड़ा वाजे हमारे व्यूअर्स को जो है वो मैसेज मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फाज़िल शहबाज खान। बेपनाह मसाइल जो लोगों के घरों में जन्म लेते हैं जब गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता है, लाहौर में बेपनाह सिलेंडर फटने के वाकयात हो चुके, लेकिन तमाशा प्रोग्राम इस पर 20वें प्रोग्राम करने के बाद आज इसे मंतकी स्टेज पर ले आया। एसीसीटी हमारे साथ अहमद भट्ट साहब हैं,
और जेड ओ आर हैं, ए जेड ओ आर हैं, और शालम मार्केट में आपको जहाँ जहाँ वो सिलेंडर नज़र आएंगे जो एल पी जी जो ओगरा से रजिस्टर्ड सिलेंडर नहीं है, नाकी सिलेंडर हैं, वो आपको सील करते हुए दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ये जी इस वक्त हम शालम मार्केट मौजूद हैं और हमारे साथ जेड ओ आर मौजूद हैं, ए जेड ओ आर मौजूद हैं और ए सी सी डी हमारे साथ अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं और ये इंस्पेक्शन करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से? भट्ट साहब इंस्पेक्शन करेंगे आप? जी बिल्कुल जनाब। और ये कंप्लेंट आई थी कि यहाँ पर सिलेंडर का कारोबार हो रहा है जो कि ऑथोराइज नहीं है, और ये मैं अभी सिलेंडर की पोजीशंस भी देख रहा हूँ, यहाँ पर हो सकता है डीकेंटिंग भी हो रही हो और अनऑथोराइज सिलेंडर बिक रहे हो। आपको जैसे याद भी है लाहौर में बड़े पैमाने पर इस तरह के इश्यूज हैं, जब भी नाके सिलेंडर घर में फटता है तो जान लेता है पूरा मोहल्ले की। ये यहाँ की सूरत हाल है जी, अभी इसकी इंस्पेक्शन हो रही है, ए जेड ओ आर हमारे साथ मौजूद है, आप इंस्पेक्शन कर जेड ओ आर, ए जेड ओ आर साथ ही, ए जेड ओ आर, ये देखें ये जेड ओ आर है, ए जेड ओ आर है, आप जेड ओ आर हैं, वो ए जेड ओ आर है। हाँ हाँ इसी तरह कह रहा हूँ। मुझे बताइए क्या इंस्पेक्शन करेंगे आप, क्या तरीका है, एसओपी क्या है इंस्पेक्शन करने का? जब तक ये ऑथराइज जो डीलर होते हैं उनसे ये चीजें ना रहे, ये बहुत हल्की और ये फटने का डेफिनेट चांस होता है इनका। बट साहब आप इसको मेरा ख्याल इंस्पेक्शन किए बगैर इसके वेट से अंदाजा लगा लें कि क्या इसकी सूरत हाल है। फायदा जो है ना, इसका पीछे से कंपनी से एक स्टैंडर्ड आता है, इसकी गेज क्या है, इसका गोदाम बना हुआ है पीछे, बाकायदा एक तरीकाकार जारी किया जाता है, एक पेपर जारी किया जाता है कि ये गेज है, ये इसका। इतनी हल्की चादर वाला सिलेंडर ये ना सब स्टैंडर्ड हो गया ना जी, सील करने लगे हैं और इसके साथ एफआईआर लॉन्च करेंगे। और आप ये देखेंगे ये जिस घर में भी जाता खुदा ना खास्ता, और ये फट जाना था, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना फटे। आपको पता है ये थर्ड तीसरी हमारे से भी आप गिराएं तो सिलेंडर फट नहीं सकता अगर ना किस ना हो तो। सर इसके जो एसओपी हैं ये उसमें फॉलो नहीं करता। क्या एसओपी होने चाहिए सिलेंडर के? ये जो 24 गेज की गेज होती है ना उसका सिलेंडर होना चाहिए। इसमें 24 गेज का तो आपको एक भी नहीं मिला होगा? नहीं अभी तक तो कोई नहीं मिला सब, एक भी सिलेंडर 24 गेज का नहीं है। बस ठीक है, इसको सील करते हैं और इनको कॉन्फिस्केट करते हैं और एफआईआर देते हैं। एसीसीडी हमारे साथ जी अहमद भट्ट साहब मौजूद है और ZOR, AZOR और ये सारी टीम मौजूद है यहाँ की। ओगरा के रजिस्टर्ड सिलेंडर नापैद हो चुके जिसकी वजह से लोग जब घरों में आपको सिलेंडर फटने के वाकयात नज़र आते हैं तो उसमें सबसे बड़ा ये मसला है, आपका सिलेंडर अगर नाकिस ना हो तो मुमकिन ही नहीं है वो फटे, इट्स इम्पॉसिबल। और तकरीबन 60 से ज़्यादा प्रोग्राम सिर्फ तमाशा प्रोग्राम इस पर कर चुका है, जो आप अपने प्रोग्राम के इब्तदाई में भी देख चुके थे, बड़े पैमाने पर इसको मंत के अंजाम की तरफ लेकर जा रहे हैं और ये कंपेन का बाकायदा आगाज भी हो चुका है, ये चलता रहता है इसी तरह और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और ये तमाशा प्रोग्राम का मिशन के नाकिस सिलेंडर जो है वो नापैद होने चाहिए बड़े पैमाने पर, और ये आपको अंदर से दिखाते हैं, ये गोदाम है पूरा और यहाँ जो सिलेंडर हैं उनकी सूरत हाल भी आपको दिखा रहे हैं। और इधर आप ये देखें कि इधर एक सिलेंडर ऐसा नहीं है, बट साहब ये अगर छोटा सिलेंडर आप पकड़िए प्लीज, ये देख लग रहा है कि सिलेंडर रिपेयर का काम कोई हो रहा लगता है और ये बिल्कुल ही इलीगल है। और ये एक जगह अगर सिलेंडर इसकी रिपेयर या इसकी तब्दीली सिर्फ ऑथराइज्ड कंपनी कर सकती है, इनको इख्तियार नहीं है किसी चीज़ का और इनको इनकी रिपेयर करने का, क्योंकि इनके पास वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स नहीं होते, वो काबिलियत नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं, चेक करने वाला इनके पास सामान ही नहीं है। आप मेरे साथ अगर भट्ट साहब आइए तो हम अंदर गोदाम का भी एक विजिट कर लें। आइए जी, बाकी सारी टीम भी मौजूद है जी, और इधर आपको नज़र आएगा कि ये को थोड़ा बहुत का मामला नहीं है, ये बड़ा काफ़ी हैवी कारोबार है सारे का सारा, और इसमें आपको रिक्शे के सिलेंडर भी नज़र आएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये रिक्शे के भी वो सिलेंडर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और इलीगल ये सिलेंडर्स हैं सारे। और ये जो ओगरा के रजिस्टर्ड सिलेंडर जहाँ भी मौजूद नहीं होंगे वहाँ इसी तरह ही होगा। और इधर पूरा गोदाम पड़ा है, ये आप देख सकते हैं, मेरे साथ अगर आए तो ये एक सिलेंडर नहीं है, इस तरह के ये नए न्यू ब्रांड सिलेंडर्स हैं, इनमें हो सकता है कोई ओगरा से रजिस्टर्ड हो, लेकिन ये जेड ओ आर साहब को भेजिए जी जरा, हजरत साहब ये देखिए ये वाला रजिस्टर्ड है कोई इनमें से, क्योंकि ये मुझे थोड़ा ना ब्रांड से इनवॉइस मांगी है लेकिन ये देने से हाजिर है, इसलिए मैंने इनके खिलाफ एक्शन कर लिया है, उठाने लगे हैं हम, जब्त करने लगे हैं। अच्छा, ये सारा जितने भी इलीगल सिलेंडर हैं वो सारे जब्त होंगे? बिल्कुल जब्त होंगे, और मेरा अमला भी साथ मौजूद है, वो उठाने लगे। अच्छा, इनवाइस ना हो तो इसके अलावा क्या इसकी होती है कोई? हमारे पास ऐसा पैरामीटर नहीं है कि इनको चेक इनवाइस से ही पता चल जाता है, इनवाइस से पता चलता है, तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता भट्ट साहब की इनवाइस ना हो। जी बिल्कुल, इनके पास इनवाइस नहीं, इसलिए इसको जब्त करने लगे हम। ये जी आप ये देखें कि
डीसी ऑफिस और ZOR और ये सारी टीमें जो हैं वो आपका मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं, ताकि आपको तारीखियों से बचाया जा सके, आपको हादसा से बचाया जा सके। और ये मिशन जो है, ये तमाशा प्रोग्राम का मिशन है जिसमें ये सिलेंडर उन लोगों से जाने से रोके गए हैं जो जिनका फटने का 100% इम्कान है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है और जाली और नाकी सिलेंडर है। आप इनका वजन भी उठा के देखो तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने नाकी सिलेंडर जो हैं वो मार्केट से यहाँ तक 16 गेजेस की जो ना होने के बराबर है, 24 होनी चाहिए या 24 होना चाहिए, इसका तो वजन ही नहीं है, ना होने के बराबर है, फूल की तरह है बिल्कुल। हालांकि ये तो इस लेवल का, ये कितने किलो का है, 4 किलो है, ये 4 किलो का या 3 किलो का होगा, इससे किलो सर 3 किलो, 3 किलो का इसका मोटी चादर वाला, तो वो तो पकड़ा नहीं जाता, इतना भारी होता है। लेकिन उसका आपकी शॉप है, हाँ जी, तो आपने किधर से खरीदे हैं पहले बताएं, एक मैन्युफैक्चरर कौन है? मैं वैसे ही आया हूँ शॉप पे। अच्छा, इस शॉप का ऑनर कौन है, बुलाए उनको, आपके क्या लगते हैं ऑनर? वाल साहब, अच्छा वाल, आप किस क्लास में बेटा? मैं पेपर दिए हैं बीकॉम के। ये यहाँ जी सूरत है, ये गोदाम है पूरा, और ये पूरी की पूरी यहाँ जितनी भी खेप सिलेंडर्स की है उसको ना सिर्फ जब्त किया जाएगा बल्कि जो एसी साहब के ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक इस दुकान को अभी आपको सील करते हुए भी दिखाते हैं।